तुम्हारे जैसे को कंफर्टेबल करने के लिए नाम दिया है रबर बैंड। 14 अक्टूबर की फिल्म आ रही है कहानी रबर बैंड की। कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम सबसे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट चुनना और उस पर लोगों को कॉमेडी करना, हंसाना, कि देखने में लगता है कि पहले तो हंसाएं कैसे इस सब्जेक्ट पे, तो कैसे ये आपने पूरा जो लिखा और डायरेक्ट किया, कितना मुश्किल था ये? पता था क्या करना है, कैसे करना है, वो पता था। फिर हमारे एक्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, डेफिनेटली दे लाइक द कॉन्सेप्ट, और उनको वो समझ पाए उस तरीके से, और उस तरीके से वो परफॉर्मेंस भी कर पाए। मनीष भाई, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद मिलके आपसे, और ये फिल्म सेलेक्ट करने के पीछे कोई खास वजह, और जब ये कहानी सुनी आपने तो आपके जहन में क्या कुछ चल रहा था? वो वन लाइन जब जैसे ही उन्होंने बताया, एंड दैट गॉट माय अटेंशन, कि कंडोम खरीदने वाला चिचोड़ा नहीं होता, जेंटलमैन। ये बात विच जैसे ही इन्होंने बताई, आई रियलाइज कि यार इट इज़ अ रिलेटेबल प्रॉब्लम, कि आप कभी भी जाओगे तो आपको ऐसे या तो कोई लेडीज़ खड़ी है वो, या फिर दुकान वाला कभी इशारा कर देगा, कभी पेपर में डाल देगा, कभी काली थैली में डाल देगा, कभी सो आपको है ना एक चिचोरी की नज़र से देखा जाता है, जबकि कॉन्डम इस्तेमाल करने वाला हमेशा एक्चुअली इज़ द वन केयर्स। तो दिस वॉज, मैंने कहा यार ये थॉट प्रोवोकिंग है, एंड रादर ऐसी कोई फिल्म पहले नहीं आई थी, इट वॉज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। ऑल्सो लाइक अ सेट कि यू नो आई एम अ बिग आयुष्मान फैन, तो द होल थिंग वॉज कि ही ऑलवेज पिक्स अप सब्जेक्ट, जो मुद्दा है उसको एड्रेस करो, हंसते खेलते करो। सो आई लाइक ऐसा सब्जेक्ट खुद घर पर चल के आया है, वाई शुड आई से नो। मनीष के साथ अविका वापस से स्क्रीन पर आ रही हैं, ये कैसे उनको कैसे ऑन बोर्ड लेकर के आया, जैसे मनीष ने बताया कि इन्होंने कॉन्सेप्ट सुना, उनके साथ कैसे? वो हमारा लीड को लेके, फीमेल लीड को लेके, हीरोइन को लेकर हमारा कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा था। मतलब आई वाज नॉट लाइक कि मैं ये बंद, मतलब जो भी फिगर्स इनके सामने आ रहे थे, जिनको भी मैं देख पा रही थी, तो मैं वो कंपेयर ही नहीं कर पा रही थी कि यार ये बंदे के साथ में जो बोलते हैं ना एक वाइब्स आएगी। और बात करते करते अचानक से फिर अविका का नाम निकला, एंड सडनली मैंने बोला यार अविका, तो इज इट, हाँ वाई नॉट, विल ट्राई फॉर दैट। और इन्होंने उसको कॉल किया, एंड शी सेड कि हाँ हाँ यार तुमने सुना, मैंने सुना, एक ही बात है, बट इज इट, नहीं नहीं, यू हैव टू कम एंड यू, और आई थिंक सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग शी केम, और हम लोगों ने बैठ के जब उनको सुनाया तो शी सेड दिस इज़ रियली गुड। और मैं जब आप फिल्म में देखेंगे, अभी आपने सॉन्ग्स देखे होंगे, वो जो मैजिक है अभिमान का, वो मैजिक है ना, वो दिखता है द मोमेंट अविका सेड यस, वो मेरा क्लिक हो गया। और जब मैंने दोनों को एक साथ देखा, मैंने बोला यार और कौन हो सकता, सो दैट्स द रीज़न ये दोनों जोड़ी बन गई और हमारा कपल कंप्लीट हो गया। जो मोमेंट है जहाँ इनका प्यार डेवलप होता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यू फील स्माइल, यू फील दैट लव फॉर योर पार्टनर। आज का मामला क्या है? जी जनाब, हमारे क्लाइंट का कॉन्डम फटा है। मनीष, हमने देखा है कि आजकल कंटेंट जो है वो बिकता है, ना कि फेस पे दिखता है, पर आजकल कंटेंट ही राजा है, किंग है कहते हैं। हाँ। और लोग जब देखते हैं कि हाँ ट्रेलर पसंद आया तो देखते ही देखते हैं, चाहे वो OTT पे हो या सिनेमा घर पे हो, कैसे इसको देखते हैं? लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है इस फिल्म को रिलीज करने का और लाने का? एब्सोल्युटली, बिकॉज राइट नाउ लाइक दिस से कि द बिगेस्ट स्टार कैन नॉट अश्योर यू फुटफॉल इन द थिएटर्स, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। आफ्टर आई थिंक 2020 जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद पीपल आर मोर ड्रिवन टुवर्ड्स अ स्टोरी, एंड दिस इज अ वेरी ऑर्गेनिकली टोल्ड स्टोरी। 14 को जब ऐसी फिल्म के साथ जब आते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो पब्लिक इसको एकदम सराखों पर रखती है, या फिर थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं या थोड़ा सा नर्वस अंदर से भी है, किस तरह की फीलिंग है अभी? डेफिनेटली नर्वस हूँ, बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, ये फिल्म बनाने के लिए सब ने बहुत मेहनत की है, तो मुझे जहाँ तक नॉलेज लगता है या मुझे जो लगता है कि डेफिनेटली लोग अपना प्यार भी देंगे इसमें, और चीज़ों को खुले दिल से देखेंगे भी, बिल्कुल भी वल्गर नहीं है, फैमिली के साथ बैठ के देखने की फिल्म है। दैट्स द रीज़न हमको UA मिला है सेंसर से विदाउट सिंगल कट जी, तो बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन, कटने के लिए मतलब कुछ होना तो चाहिए, पूरी फिल्म में एक कुछ भी नहीं है, जो आजकल नॉर्मली लोग वीडियो एल्बम में दिखा देते हैं जी। तो बहुत नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी फिल्म है, विद गुड कंटेंट एंड गुड मैसेज। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम जो जादू अविका और मनीष की जोड़ी ने चलाई थी वापस चले, और आपकी मेहनत भी रंग लाए, हमारी यही शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मनीष कुमार सिंह, बॉलीवुड MDB मुंबई। क्या हुआ था रात को, आप जरा विस्तार से बताएंगे?